ब्रेकिंग न्यूज, जल महल लीग, रमनलाल गोस्वामी, ब्यूरो चीफ जिला भरतपुर। कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की पालना में हम आपको उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए राजस्थान बॉर्डर पुलिस चेकपोस्ट बहेज से केवल परमिशन वाले वाहन जिसमें खाद्य सामग्री, मेडिकल, दूध, डेयरी, आवश्यक ड्यूटी वाले वाहन को ही निकलने दिया जा रहा है। आवश्यक लोगों को दूसरे स्टेट की एंट्री पर SDM साहिबा सुमन देवी के निर्देश अनुसार मेडिकल टीम की ड्यूटी लगाई हुई है। मेडिकल चेकअप एवं स्क्रीनिंग के बाद उन्हें निकलने दिया जा रहा है। यहां 3 शिफ्ट है मेडिकल टीम की, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से शाम को 8 बजे तक और तीसरी शिफ्ट में रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मेडिकल टीम द्वारा चेकअप कर मुहर लगाकर ही प्रदेश की सीमा में एंट्री होती है एवं दूसरे बॉर्डर राजस्थान UP सीमा पूछ रही के लौटा पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। रात और दिन अलग अलग से में ड्यूटी लगी हुई है। अनावश्यक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चेक पोस्ट पर कैलाश हवलदार एवं पतराम सिंह का मूल सिंह RAC के जवान एवं लोकेंद्र सिंह LDC, विनोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, यदुनाथ जी ड्यूटी पर तैनात थे। जी हाँ, इस समय हम राजस्थान UP बॉर्डर बहेज पुलिस चौकी पर हैं। लॉकडाउन की पालना में पूर्णतः लॉक किया हुआ है। केवल आवश्यक आवश्यकता वाले वाहन और चेकिंग के बाद ही व्हीकल को निकलने दिया जा रहा है। लोड मेडिकल टीम के ओर से जी हाँ, इस समय आपका नाम जी इस समय आप UP राजस्थान बॉर्डर जी सर जी लॉकडाउन की पूर्णतः पालना हो रही है सर? पूर्णतः पालना की जा रही है। अच्छा ठीक है। श्रीमान SDM साहिबा ढीग के आदेशों के अनुसार यहाँ पर मेडिकल स्वास्थ्य विभाग ने जो मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए जो आने वाले कहीं बाहर से जो यात्री हैं, यदि आते हैं तो उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए यह मेडिकल टीम नियुक्त कर रखी है, जो तीनों शिफ्टों में प्रातः 8 से 2, 2 से 8 और रात्रि 8 से 8 एक चिकित्सक, एक कंपाउंडर लगा रखे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के चेकअप करके और उसके बावजूद ही उनको अकाउंटिंग सील लगा के जाने देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य का भी पता ध्यान दे सके।